Hello, good afternoon, friends. This is Prateek Gupta, Chartered Accountant and a partner of Raji Gupta & Company. First of all, I would like to request you to subscribe my YouTube channels for regular videos and do share your feedback, valuable feedback, and do like the video. It is a humble request to you. So I am here for another video, a series of the video. In which one of my video is in regard to GST on rental of immovable property. So this is the one of the hot topic right now. And earlier there are some issues on this topic. So aaj maine iski ek video banayi hai iske upar aur main aap se iske bare mein discussion karunga. So this is the topic GST on rental of immovable property. Hum log aaj baat karte hain iske bare mein. Sabse pehle hum samajhte hain iske bare mein ki जो जीएसटी ऑन रेंटल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपका आपका रेंटिंग सर्विसेज का डेफिनेशन में क्या फॉल करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल रेंटिंग सर्विस जो है आपकी वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करती है और इसके ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होता है. देन व्हाट ऑल सर्विसेज आर इंक्लूडिंग इन रेंटिंग सर्विसेज. फर्स्ट लीज, एनी टाइप ऑफ लीज, टीनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई रेंट, लैंड, एनी लीज और रेंटिंग आउट letting out of the building including commercial residential property for business or commerce and any type of lease which is there वो आपकी covered हो जाएगी renting services के ऊपर. अब बात करते हैं कि renting of residential property के ऊपर क्या exemption दी गई है. अभी तक हम लोगों ने बात करी कि renting services में क्या क्या covered होता है. अब exemption क्या दी गई है, wide notification 12/2017 एक एग्जेम्पशन दी गई है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट के ऊपर. आपका अगर कोई रेंट आप कलेक्ट करते हो देन उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है और वो आपकी जीएसटी के प्रोव्यू से एग्जिट हो जाएगा. अदर एग्जेम्पशंस क्या दी गई है, अगर आप कोई चैरिटेबल पर्पज के लिए अगर आप लैंड यूज करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के ऊपर यूज करते हैं, देन अगर आप इन तीन कंडीशन में अगर फॉल करते हैं कि आपका अगर रेंट जो है 1000 rupees पर डे से लेस है और अगर आपका रेंट आउट शॉप्स, बिजनेस यूनिट और कम्युनिटी हॉल और सच चैरिटेबल ट्रस्ट अगर आपका 10,000 से कम है देन, और आपका कम्युनिटी हॉल और ओपन एरिया जिसका रेंट 10,000 से कम है देन आपको जीएसटी की एक्सेंप्शन मिल जाएगी और जीएसटी के ऊपर चार्ज नहीं करना है. नेक्स्ट हम सर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी कब आती है. रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को देखनी पड़ेगी थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल अभी एज ऑफ नॉट 20 lakh की है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर 10 lakh की लिमिट है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ता है. पैन बेस्ड टर्नओवर देखना पड़ता है कि पूरे पैन के ऊपर हम लोगों ने कितना टर्नओवर जनरेट करा है और उसके बाद हम लोगों को एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर देखना पड़ता है कि हम लिमिट पे फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं. हम एग्जाम्पल से समझते हैं. मिस्टर अर्जुन हैज 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज विच आर गिवन ऑन रेंट थ्रू आउट द ईयर. रेंटल इनकम ऑफ मिस्टर अर्जुन पर ईयर इज एज बिलो. प्रॉपर्टी 1 से रेंट आ रहा है 6 lakh का, प्रॉपर्टी 2 से रेंट आ रहा है 7 lakh का, प्रॉपर्टी 3 से रेंट आ रहा है 8 lakh का. अगर हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को देखते हैं देन ये आपका लेस देन 20 lakh की कैटेगरी में आता है, बट अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं तो वहां पे आपका 21 lakh में फॉल करता है. देन यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड यू हैव टू चार्ज द जीएसटी ऑन द बिल्स. सो हम फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं कि अगर आप रेंटिंग के अलावा कोई और भी बिजनेस करते हैं और आपका वो अपने सेम पैन पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं देन आपको उस केस में भी अपना बिजनेस जो सप्लाई का है और प्लस आपका जो प्रॉपर्टी का रेंट है उसको आपको एग्रीगेट टर्नओवर की कैटेगरी में दिखाना है आपको. और सेकंड एग्जांपल में भी सेम एग्जांपल है कि प्रॉपर्टी 1 का रेंट 5 lakh का रहा है, प्रॉपर्टी 2 का रेंट 5 lakh का रहा है, बिजनेस का जो टर्नओवर है आपका 12 lakh का रहा है तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 22 lakh का हो गया है. देन आपका जीएसटी भी एप्लीकेबल हो गया और आपको जीएसटी भी चार्ज करना है. सबसे इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू इज कि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कहाँ पे लेना है. अभी तक तो हमने समझा रजिस्ट्रेशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन आपका जहाँ पे एड्रेस जहाँ पे है आपका, जहाँ पे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. आप जहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो वहीं से आप अपना बिल रेज कर सकते हो एंड प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोग समझेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या फॉलो होती है. सबसे मैंने नोट में यहाँ पे डिफाइन करा है, फर्दर इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द लैंड प्लॉट ऑफ द प्रॉपर्टी
property, it is not compulsory to get registration in the state where the immovable property is situated. He might be registered in a different state than the immovable property is situated. For example, if the landlord is registered in Maharashtra and property is in Gujarat, then for landlord, it is not compulsory to get registration in Gujarat just because the property is rented out in Gujarat. So, आपको ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि आपकी property जिस state में located है वहाँ पे आपको registration लेना है आपको. Next हम बात करते हैं सर import tax rate की और place of supply की. जैसे कि हम लोग discuss कर रहे थे कि अभी कि हमें किस state में registration लेना है और GST का place of supply क्या होगा और GST का हम क्या charge करेंगे. First example से समझते हैं सर कि property मेरी गुजरात की है और लैंडलॉर्ड जो है वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है आपका, वो गुजरात में रजिस्टर्ड है और आपका टेनेंट भी गुजरात में ही है, देन ये वाली सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी आपकी और इसके ऊपर आप क्या चार्ज करोगे, CGST SGST चार्ज करोगे और जो आपका टेनेंट है उसको भी उसका ITC क्लेम मिल जाएगा. नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, गुजरात में प्रॉपर्टी है, महाराष्ट्र में आपका लैंडलॉर्ड है और आपका टेनेंट जो है आपका वो गुजरात में रजिस्टर्ड है, देन ये सप्लाई क्या सप्लाई हो गई आपकी, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई. रीजन क्या है आपका कि गुजरात में आपका टेनेंट रजिस्टर्ड है बट आप रजिस्टर्ड महाराष्ट्र में हो तो आपका सेम डिफरेंट स्टेट में आपका ये फॉल हो गया और आपका ये सप्लाई जो आपकी हो गई वो इंटर स्टेट सप्लाई हो गई. इसके ऊपर आप IGST चार्ज करेंगे और इसका क्रेडिट भी आपके टेनेंट को मिल जाएगा. थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं सर, गुजरात में प्रॉपर्टी है, महाराष्ट्र में आपका लैंडलॉर्ड है जो रजिस्टर्ड है आपका और टेनेंट आपका महाराष्ट्र में ही है और ये सप्लाई क्या मानी जाएगी, ये सप्लाई भी आपकी इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी बिकॉज एज पर प्लेस ऑफ सप्लाई आपका जहाँ पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स में आता है वो, और आपका यहाँ पे गुजरात में रजिस्टर्ड है, गुजरात में प्रॉपर्टी है और आप रजिस्टर्ड महाराष्ट्र में हो तो आपकी ये सप्लाई जो है वो इंटरस्टेट सप्लाई हो गई और इसका भी आपको ITC मिल जाएगा. एग्जैक्टली नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल फोर में, जहाँ पे गुजरात में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, गुजरात में लैंडलॉर्ड है और आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो, देन इस केस में आपकी जो आपका GST है वो क्या चार्ज होगा, ये सप्लाई क्या होगी, इंटरेस्टेड सप्लाई हो गई आपकी और जिस पर GST क्या चार्ज होगा, CGST SGST, इसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. रीजन बीइंग बिकॉज ये आपका CGST SGST दूसरे स्टेट का है, आपके सेम स्टेट का नहीं है. अगर आपके सेम स्टेट का होता तो आपको मिल जाता, आपका डिफरेंट स्टेट का, इसे आपको क्रेडिट इसका नहीं मिलेगा. लास्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, गुजरात में प्रॉपर्टी है, गुजरात में लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और आप अनरजिस्टर्ड हो आप, तो आपकी ये सप्लाई क्या हो गई, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई आपकी CGST AGST और ये जो टेनेंट को इसके ऊपर ITC है वो भी नहीं मिलेगा और इसके ऊपर भी आपका GST जो आपका CGST AGST चार्ज होगा. सो This is about the supply, place of supply in ITC. Next हम लोग discuss करते हैं relevant case laws क्या है इसके ऊपर. अभी recently relevant case laws जो आए हुए हैं सर, सबसे पहले renting of agriculture purpose is exempt. अगर आपको agriculture purpose के लिए कोई renting पे कोई property दे रहे हैं then आपके ऊपर वो GST charge नहीं होगा. इसमें एक case law आया है आपका, case law is Cochin Plantation Limited के case law आई हुई है जिसमें renting और leasing of land by farmers for agriculture, foresting, fishing and animal husbandry exempted और इसके ऊपर GST चार्ज नहीं होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं सर कि ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यू है राइट नाउ कि renting services supplied jointly by co-owners. यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो owners हैं एक property के और वो उनके पास दो रीजन से हो सकता है, या तो उन्होंने परचेज करा और जॉइंट नेम पे या फिर उनको इनहेरिटेंस में मिला हो. तो इन दोनों केस में जो इश्यू क्या आया था कि हम लोगों को एग्रीगेट टर्नओवर में दोनों का टर्नओवर मिला के देखना है या फिर आपको वो दोनों को सेपरेटली हमें देखना है. तो इसमें इज माय व्यू, यू हैव टू सी द टर्नओवर एज सेपरेटली, दोनों का जो सेपरेट रेंट आ रहा है, प्रोपोर्शनेटली जो भी रेंट आ रहा है उसका रेंट जो है वो आपको उसके टर्नओवर में फर्स्ट वाले का रेंट फर्स्ट वाले में काउंट होगा, सेकंड वाले का रेंट सेकंड वाले में काउंट होगा. इसके ऊपर आपका एक जजमेंट भी आया हुआ है एलम ब्रांचरी कालदून, ये आपका AR केरला का एक एडवांस रूलिंग आई हुई है जिसमें उन्होंने एग्जेम्पशन दे दी है, जहाँ पे आप अगर रेंट मल्टीपल ओनर्स के पास आ रहे हैं देन उसकी सेपरेट
जो टर्नओवर है उनका सेपरेटली चेक हुआ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर रिलेवेंट केस लॉज इन टर्म्स ऑफ आपका हॉस्पिटल के लिए अगर प्रीमाइसेस दी गई है देन वो प्रीमाइसेस जो है आपका उसके ऊपर आपका जीएसटी चार्ज होगा आपका बिकॉज उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस है बट आपका एग्रीगेट जो है आपका वो एग्जेम्पशन में नहीं आता है तो इसीलिए जीएसटी चार्ज होगा आपका। इसके ऊपर तातागत हेल्थ केयर सेंटर एलएलपी की एक जजमेंट आई हुई है जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई करा है कि जीएसटी चार्ज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी पेड ऑन रेंट लीज रेंट फॉर लैंड नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। इसमें एक जजमेंट आया था जीजीएल होटल एंड रिजॉर्ट कंपनी लिमिटेड का जिसमें एप्लीकेंट हैज टेकन द लैंड ऑन लीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजॉर्ट द लीज रेंट पेड ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऑपरेशंस इज टू बी कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट वाज हेल्ड दैट आईटीसी इज नॉट एडमिसिबल ऑन सच रेंट पेड बिकॉज सच रेंट पेड इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेक्शन 17(5)(d) स्पेसिफिकली डिसअलाउड आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो ये भी बिल्कुल स्पेसिफिकली सेक्शन 17(5) का एग्जांपल है जहां पे आपका अगर कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप कोई भी अमाउंट कैपिटलाइज करते हैं उसके बाद भी आपको आईटीसी नहीं मिलता है। और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेक्शन 194(i)(a) और (i)(b) के अंदर रेट के ऊपर टीडीएस काटना है आपका जो आपका 10% रेट एप्लीकेबल है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ और I think you understand the issue and you understand the answer for the all the questions of yours. Agar aapko koi question hai, you can drop me in the comment box and you can write me on the email also. So my email ID is prateek@rgncadvisors.com. Or thank you so much for viewing this video and keep liking and sharing the video and please subscribe my YouTube channel for further updates on my next videos. Thank you so much for joining us.